इस समय दिल्ली के सीएम अपने वोटरों को रुझाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव हुए नज़दीक आ चुके हैं और जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो कुछ ना कुछ नई स्कीम लाने की योजना बना रहे हैं और उनको लागू करने की सोच रहे हैं, जिससे जो दिल्ली के वोटर्स हैं वो उनकी तरफ झुक जाएं और फिर से वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर राज कर सके। तो इस बार फ्री मेट्रो के बाद फिर से कोई नई स्कीम लेकर आए हैं। जी हाँ, फिर से कोई फ्री की स्कीम है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो वो स्कीम क्या है और कैसे आपको ये स्कीम मिलेगी, आपको इसके फायदे क्या होंगे, चलिए वो बताते हैं आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक पांडे। अब अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की फ्री वाली स्कीम के बारे में, तो वो 200 यूनिट तक फ्री बिजली सभी को देंगे। जी हाँ, यानी कि अगर आप महीने में 200 यूनिट खपत करते हैं तो आपको बिजली का बिल का जो भुगतान है वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से आपके लिए बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन इस पे काफ़ी बड़ी शर्त रखी गई है। जी हाँ, वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर आपकी जो बिजली का बिल है अगर वो 200 यूनिट का है, तो अगर ये 201 यूनिट भी पहुँच जाता है तो आपको फिर पूरे जो बिजली का बिल है पूरा का पूरा आपको देना पड़ेगा। यानी कि आपको जो छूट दी गई है वो किसी भी प्रकार की नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको 200 यूनिट फ्री मिली है, अगर आप 201 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको इसके बाद केवल एक यूनिट का पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पूरे के पूरे 201 यूनिट का पैसा देना होगा। अब अगर बात करें सरकार को लेकर कि सरकार का जो खजाना है उस पर इसका कितना असर होगा, तो सरकार के खजाने पर इसका सालाना असर 1800 करोड़ रुपए का होगा। जी हाँ, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार में 200 यूनिट का जो बिजली बिल बैठता है लगभग 900 रुपए का बैठता है, और इसके हिसाब से अगर आंकड़े लगाए जाए तो 1800 करोड़ रुपए का जो भार है वो सरकार के ऊपर आ जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि सरकार ने सारी चीज़ों को देखते हुए और समझते हुए ये फैसला लिया है, और उन्होंने कहा कि सरकार इस बोझ को उठाने में सक्षम है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले जहां बिजली कंपनियों का जो घाटा था वो 18% था, वो अब घटकर 8% पर आ गया है। तो इस हिसाब से दिल्ली सरकार भी ये करने के लिए बिल्कुल बखूबी तैयार है। तो अभी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का मास्टर प्लान कहाँ पर जाकर रुकता है, ये मास्टर प्लान लागू हो पाता है या नहीं, और दिल्ली वासियों को इसकी जो इसके फायदे हैं वो कब से मिलेंगे इसकी बात अभी सामने नहीं आ पाई है, या केवल एक चुनावी वादा रहकर साबित हो जाए। क्योंकि चुनाव में अक्सर जो गवर्नमेंट है या जो नेता है वो वादे जरूर करते हैं लेकिन शायद पूरे सारे नहीं हो पाते। जैसे उन्होंने कुछ दिनों पहले भी वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं उनको फ्री DTC बस में जाने की एंट्री मिलेगी, तो वहीं मेट्रो में भी उनको फ्री जाने की अनुमति मिलेगी। लेकिन बाद में काफ़ी तथ्य देखे गए, उसके बाद ये फैसला उनको पीछे रहना पड़ा और लोगों ने यानी विशेषज्ञों ने मना कर दिया कि ये मुमकिन ही नहीं है। अब ऐसे में देखते हैं कि 200 यूनिट का फैसला क्या होता है, ये हकीकत बनता है या केवल सपना बनकर रह जाता है। इस पूरे मामले पर जो भी अगली अपडेट होगी लेकर मैं आपके बीच जरूर आऊँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।